गर्मियां तो चली गई पर ये सन टैन रह गया और ये बारिश वाली धूप और भी ज्यादा टैन कर देती। हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आयरा कॉस्मेटोलॉजिस्ट वंस अगेन। और आज हम बात करेंगे कि ये बारिश वाली धूप से कैसे बचा जाए। हम कितना भी सनस्क्रीन लगाएं, कुछ ना कुछ तो टैन हो ही जाता है और उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन डोंट वरी, आज हम डिस्कस करेंगे एक अमेजिंग प्रोडक्ट जो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, द स्टनर स्किन रेडियंस मास्क बाय फॉक्सटेल। चलिए जानते हैं कि ये कैसे हमें टैन फ्री स्किन दे सकता है, इसके कौन से इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, ऑल्सो कुछ प्रोज एंड कॉन्स जो कोई नहीं बताएगा बट मैं बताऊंगी, जिसके लिए आपको ये वीडियो बिना स्किप करे देखना होगा। साथ ही ये प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है या नहीं ये भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉक्सटेल स्किन रेडियंस फेस मास्क स्पेशली बनाया गया है टैन को इफेक्टिवली रिमूव करने के लिए और आपको इंस्टेंट ग्लो देने के लिए। इसमें है पावरफुल इंग्रेडिएंट्स जो काम करते हैं इन अ सिनर्जिस्टिक वे। ये मास्क बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, जैसे टैन रिमूवल, डिटॉक्सिफिकेशन, ग्लोइंग स्किन, इवन स्किन टोन, रिमूविंग डेड स्किन सेल्स, डीपली क्लेंजिंग द पोर्स। सो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और उनके बेनिफिट्स के बारे में। आइए जानते हैं इसके हीरो इंग्रेडिएंट्स के बारे में। ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स, लैक्टिक एसिड। इस मास्क का प्राइमरी इंग्रेडिएंट है लैक्टिक एसिड। ये एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है जो डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और न्यू स्किन सेल्स को बनाता है। इससे स्किन फ्रेश और ग्लोइंग दिखती है। काइलिन क्ले, ये इम्प्योरिटीज और एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करता है। इससे पोर्स अनक्लॉग होते हैं और एक्ने ब्रेकआउट्स भी रिड्यूस होते हैं। ब्राजीलियन पर्पल क्ले, ये जेंटली एक्सफोलिएट करता है और स्किन को डिटॉक्स करता है। इसके एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब जानते हैं इसके हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स के बारे में। एक्वाजेल, ये स्किन पे एक एंटी डिहाइड्रेशन शील्ड बनाता है जो मॉइस्चर को लॉक कर देता है और वाटर लॉस को लिमिट करता है। बीटेन, ये स्किन को सूथ करता है और इंस्टेंट प्लम्पिंग इफेक्ट देता है। एलेंटॉइन, ये एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट है जो स्किन को सूथ करता है, इचिंग को कम करता है और डेड स्किन सेल्स को शेड करने में मदद करता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट वे टू अप्लाई दिस मास्क। सो स्किन रेडियंट मास्क की आपको एक थिक लेयर अप्लाई करनी है अपने फेस पर, लेकिन ध्यान रहे कि आप अपने आईज और लिप्स से इसे थोड़ा दूर ही रखें। देन लीव इट फॉर 10-15 मिनट्स अंटिल इट्स गेट ड्राई और फिर उसे वॉश कर लें विद ल्यूकवार्म वाटर। रिमेम्बर, कंसिस्टेंसी इज की। वीक में आपको ये एटलीस्ट 2-3 बार लगाना है, तभी आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलेगा। सो इस प्रोडक्ट की सबसे बेस्ट एंड अमेजिंग चीज ये है कि ये सभी स्किन टाइप्स के लिए सुटेबल है। ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन, ऑल्सो सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे यूज कर सकते हैं। अगर आप सन एक्सपोजर की वजह से फ्रीक्वेंटली टैनिंग से परेशान हैं, सो ये मास्क जरूर ट्राई करें। अब जानते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, जो आपको कोई नहीं बताएगा बट मैं बताऊंगी। इफेक्टिवली टैन रिमूवल, जेंटली एक्सफोलिएटिंग स्किन, प्रोवाइड्स इंस्टेंट ग्लो। दिस प्रोडक्ट एक्चुअली गिव्स द बेस्ट रिजल्ट्स इफ यू यूज इट प्रॉपर वे, ये साबित करते हैं ये रिव्यू जो ऑफिशियली इनके वेबसाइट्स एंड अमेज़न से लिए गए हैं। अब जानते हैं वो चीज के बारे में जो आपको कोई नहीं बताएगा, फैक्ट्स दैट नो वन इज टेलिंग। तो ये मास्क दावा करता है कि ये सभी स्किन टाइप्स के लिए है, बट ये थोड़ा हार्श हो सकता है जिसकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। सो पैच टेस्ट जरूर करें। पैच टेस्ट के लिए आप इस मास्क की एक थिन लेयर फेस पर लगा सकते हैं, देन उसे 10 मिनट तक रखें एंड देन वॉश कर लें। अगर फिर भी आपको रेडनेस या इचिंग होता है, देन स्टॉप यूजिंग इट इमीडिएटली, वो आप लोगों के लिए नहीं बना गया है। सो अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली सेंसिटिव है तो आई पर्सनली सजेस्ट कि आप ये मास्क ना यूज करें, बिकॉज इससे आपको डिफिकल्टी हो सकती है स्किन में। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई, ऑयली कॉम्बिनेशन या स्लाइटली सेंसिटिव है, तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट यूज करिए, बिकॉज इट इज वर्थ अ शॉट एंड वैल्यू फॉर मनी। अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, जो कि एक ओरिजिनल प्रोडक्ट लिंक है। सो आप इसे यूज करें एंड डेफिनेटली हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, ताकि हमारे दूसरे व्यूअर्स को भी हेल्प हो सके। ऑल्सो कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी आपको मिल सकते हैं बाय यूजिंग दैट लिंक विच इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल्सो बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि कोई भी आपकी ब्यूटी नॉलेज मिस नहीं हो। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में विद मोर एक्साइटिंग एंड जेन्युइन रिव्यूज। अंटिल देन स्टे गॉर्जियस।